हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपिका। क्विक एंड सर्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही पान कुल्फी, जो बहुत ही डाइजेस्टिव होती है और माउथ फ्रेशनर का काम भी करती है। एक पैन में हम आधा लीटर दूध डाल देंगे और दूध को उबलने के लिए रख देंगे। उसके बाद एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसके कॉर्नर को काट लेंगे और वो ब्रेड को दूध में डाल देंगे और इसे हमें धीमी आंच पर बनाना है और इसे लगातार हिलाते रहना है। जब दूध गाढ़ा होने लगे तो हमें थोड़े से दूध में एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके उस दूध में डाल देंगे। और फिर उसे हिलाते रहेंगे और एक मिक्सिंग जार में 2 चम्मच ग्लूकोंद लेंगे। 2-3 पान के पत्तों को उसमें काट के डाल देंगे और जार को चलाएंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद उसे चेक करेंगे और चम्मच से उसके साइड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। अब चेक कर लेंगे, ग्लूकंद और पान के पत्ते अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो दूध उबल रहा है उसमें हम 4 चम्मच चीनी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब चीनी उसमें अच्छे से घुल जाए तो हम उसमें पान और गुलकंद का मिक्सचर डाल देंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर देंगे और उसमें 50 ग्राम खोआ डाल देंगे। हैंडी से उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ये गाढ़ा कुल्फी का घोल तैयार है। अब हम इसे कुल्फी के सांचों में भर देंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए रख देंगे और थोड़ी देर बाद इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे और फिर 5-6 घंटे फ्रीजर में रख देंगे। अब इसे कुल्फी को डीमोल्ड करने के लिए ग्लास में पानी लेंगे और कुल्फी का सांचा उसमें डालेंगे, जिससे कुल्फी आसानी से उससे निकल जाएगी। लीजिए, आपकी 5 शाही कुल्फी तैयार है। अब आप इसे गार्निश करें। इसमें हम गार्निश के लिए खसखस सिरप, चेरी, ड्राई फ्रूट से हम इसे गार्निश कर सकते हैं। लीजिए, आपकी पान कुल्फी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।